दोस्तों, माँ बाप ये सोच के बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं कि उनके बच्चे खुश होंगे, लेकिन कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जिसमें उनकी थोड़ी सी लापरवाही से उनके बच्चों की जान भी जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही खतरनाक खिलौनों के बारे में। नंबर 15, स्लिप एंड स्लाइड। 80s के टाइम में स्लिप एंड स्लाइड नाम की एक वॉटर स्लाइड काफी पॉपुलर हुई थी, जिससे आप अपने घर में ही वॉटर स्लाइड का मजा ले सकते थे। अनफॉर्चुनेटली ये स्लाइड उतनी सेफ नहीं थी जितनी लोगों को लगता था। बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई इस स्लाइड को बड़े भी यूज करते थे, जिसकी वजह से उन्हें नेक और बैक इंजरीज के चांसेस काफी ज्यादा थे। 1993 में ही एक टीनेजर और 3 एडल्ट स्लाइडिंग के दौरान हुए एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज्ड हो गए थे। नंबर 14, बैटल स्टार गैलेक्टिया। बैटल स्टार गैलेक्टिया 70s की एक फेमस साईफाई टीवी सीरीज है, जिससे इंस्पायर होकर मेटल नाम के टॉय मेकर ने बच्चों के लिए खिलौने बनाए थे। पर टॉय मेकर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसका ये आइडिया उसे लाखों का नुकसान करवा देगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे छोटे छोटे पार्ट को खेल खेल में निगल जाते थे, जिसकी वजह से टॉय मेकर पे केस हुआ और भारी लॉस झेलना पड़ा। नंबर 13, ट्रोल्स डॉल। अब जिस टॉय की मैं बात करने जा रहा हूं, उसे हम डेंजरस तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे फिजिकल इंजरी नहीं होती है, पर हाँ, बच्चों के दिमाग पे काफी असर होता है। इस डॉल में 2 बटन दिए गए हैं, जिसमें से एक बटन उसकी टमी पे है और वो प्रेस करने पे डॉल प्री रिकॉर्डेड मैसेज गुनगुनाती है, पर असल प्रॉब्लम थी दूसरे बटन में, जो कि डॉल के प्राइवेट पार्ट में था, और वो प्रेस करने पे डॉल कुछ ऐसा वल्गर साउंड करती थी जो कि एज अ पेरेंट आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे सुने। नंबर 12, एगुआ डॉट्स। इस गेम का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। आपको कुछ डॉट्स लेके एक बोर्ड पे एक डिजाइन बनानी है एंड फिर उस पे स्प्रे करना है। सारे डॉट्स जुड़ जाएंगे और फिर आपका आर्ट निखर के बाहर आएगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि डॉट्स छोटे होने की वजह से बच्चे इसे निगल जाते थे। इस डॉट्स पे डेट रेप ड्रग भी पाया गया था। सो वी कैन सी दैट कि ये बच्चों के लिए काफी डेंजरस टॉय था। नंबर 11, क्रीपी क्रॉलर्स वर्कशॉप। ये गेम बच्चों की क्रिएटिविटी इंप्रूव करने के लिए अच्छा था। इसमें आप अलग अलग लिक्विड कलर्स यूज करके स्पाइडर, स्कॉर्पियो जैसे छोटे मोटे इंसेक्ट्स बना सकते हैं, पर लिक्विड को हार्ड करने के लिए बच्चों को एक ओवन यूज करना पड़ता था, जिससे स्किन बर्न जैसी प्रॉब्लम रहती थी और ओवन से निकलने वाले धुएं की वजह से काफी हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। नंबर 10, एल्मो डॉल। देखने में ये गुड्डा आपको काफी क्यूट लगेगा और सबको ये क्यूट ही लगता था, क्योंकि ये बोलने वाला खिलौना है जो किसी का नाम सुनके रिपीट करता है। पर एल्मो डॉल हेडलाइन तब बना जब इसने एक बच्चे को मारने की धमकी दी थी। फ्लोरिडा की रहने वाली एक औरत का कहना है कि जब वो एल्मो की बैटरी चेंज कर रही थी, तब डॉल ने कहा कि किल जेम्स, और कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसी बात नहीं सुन पाएगी। नंबर 9, स्विंग विंग। 1960 में बच्चों को कुछ भी बेचा जा सकता था, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों दोनों को ही टॉयज के डिसएडवांटेजेस के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, और एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए कोई भी चीज मार्केट में आ सकती थी। ठीक वैसे ही स्विंग विंग भी मार्केट में छा गया। जी हाँ, ये एक तरह की कैप थी जिसे पहन के आपको अपने सर के जरिए कैप से बंधी रोप को रोटेट करना था। जानता हूँ इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा वियर्ड है, और यकीन माने इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अच्छे नहीं थे। कई बच्चे सेरिब्रल हेमरेज और स्पाइनल इंजरी का शिकार हो गए थे। नंबर 8, कैबेज पैच किड्स डॉल। इस चबी डॉल का आइडिया वैसे तो काफी अच्छा है। आपको इसे सिर्फ वेजीज खिलानी है और ये गाय की तरह चबाती है, पर पहली नजर में नॉर्मल सी दिखने वाली ये डॉल असल में काफी खतरनाक है, क्योंकि जब कोई अगर कोई चीज इसके मुंह में एक बार डाल दे तो फिर ये रुकती नहीं, बस चबाती जाती है। कई बार तो बच्चों के बाल भी चबा जाती है, इसी वजह से कई बच्चों के बाल जड़ से भी उखड़ गए। नंबर 7, बार्बी डॉल माइडेज। दूसरे टॉयज के मुकाबले ये डॉल काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। बार्बी डॉल माइडेज एक प्रेग्नेंट डॉल है जिसका वॉम्ब रिमूवेबल होता है, और फिर आप अंदर का बेबी देख सकते हैं। पेरेंट्स के हिसाब से छोटे बच्चे के दिमाग में इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, और ये डॉल प्रेगनेंसी को भी बढ़ावा दे सकती है। 90s में कई सारे पेरेंट्स से रिजेक्शन मिलने के बाद इस डॉल को वॉलमार्ट से हटा दिया गया था। नंबर 6, ऑस्टिन मैजिक पिस्टल। इस गन को देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज छोटे बच्चों के हाथ में आ जाए तो क्या हो सकता है। ये गन इतनी खतरनाक है कि अमेरिका के कई हिस्सों में इसे फायर आर्म की लिस्ट में रखा गया। इस गन से धमाका करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के साथ पानी मिक्स करना पड़ता है, पर कई बार लोग सिर्फ थूक से काम चलाते हैं। शूटिंग के दौरान एक्सप्लोजन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे रिस्ट में मोच आ सकती है।
बच्चे खेल खेल में किसी पे सच में शूट कर दें तो रिजल्ट क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। नंबर 5, CSI फिंगरप्रिंट एनालिसिस किट। साल 2000 में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन नाम की टेलीविजन सीरीज US में काफी पॉपुलर थी, जिसके बाद मार्केट में CSI फिंगरप्रिंट एनालिसिस किट की सेलिंग काफी बढ़ गई। ये किट बच्चों को इन्वेस्टिगेशन के बारे में काफी सारी साइंटिफिक चीजें समझाती थी, पर दूसरी तरफ ये किट बच्चों के लिए काफी खतरनाक भी थी। इस किट में एस्बेस्टस नाम का पाउडर था, जिससे लंग्स प्रॉब्लम के चांसेस काफी ज्यादा थे। नंबर 4, जार्ट्स मिसाइल गेम। लॉन डार्ट्स या फिर कहें कि जार्ट्स को साल 1987 में बैन कर दिया गया था, क्योंकि 8 सालों में इसने तकरीबन 60,000 से भी ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, जिसमें पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे थे। कई लोगों को सर में चोट आई थी और रिपोर्ट्स के हिसाब से तो 3 लोगों की मौत भी हुई थी। चाइल्ड सेफ्टी के लिए बॉक्स पे वार्निंग वाले स्टीकर भी लगाए गए थे, पर फिर भी एक्सीडेंट्स के आंकड़े नहीं रुके और फिर गवर्नमेंट ने इसे 1987 में बैन कर दिया था। नंबर 3, द गिल्बर्ट ग्लास ब्लोइंग किट। 1909 के टाइम में हर कोई नई स्किल सीखना चाहता था और इसी नीड को पूरा करने के लिए गिल्बर्ट ग्लास ब्लोइंग किट को मार्केट में उतारा गया, सो दैट बच्चे कुछ नया सीख सके। उस दौर में ग्लास ब्लोइंग जैसे स्किल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा जरूरी थी, पर इसे बच्चों के लिए अवेलेबल बनाना वॉज नॉट अ गुड आइडिया, और सबसे बड़ा खतरा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पिघली हुई लीड। नंबर 2, द एयर ब्लास्टर। सिंपल से दिखने वाली एयर ब्लास्टर गन 1965 में मार्केट में आई और बच्चों को इसने इम्प्रेस भी किया। एयर ब्लास्टर गन से आप काफी सारे फनी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि बर्थडे कैंडल बुझाना या फिर सिबलिंग का पत्तों का महल ढेर कर देना। पर बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने अपने दोस्तों के कान में एयर ब्लास्टर ट्राई किया एंड द रिजल्ट वॉज परमानेंट हियरिंग लॉस। फॉर्चुनेटली कुछ वक्त बाद इसे मार्केट से हटा दिया गया, क्योंकि ये गन प्रैंकस्टर्स का मनपसंद खिलौना बन गई थी। नंबर 1, वाटर विंगल। वाटर विंगल एक समर टाइम का टॉय है जो कि दिखने में किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं लगता है, और इसीलिए पेरेंट्स ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे इसके साइड इफेक्ट सामने आने लगे। वाटर विंगल में पानी का फोर्स मीडियम होना चाहिए, अगर कोई बच्चा या बड़ा नल का फ्लो बढ़ा दे फिर काफी सीरियस एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। मार्च 1978 में एक बच्चे की खेल खेल में मौत हो गई। सभी बच्चे वाटर विंगल से खेल रहे थे कि तभी उसका एल्यूमिनियम नोजल बच्चे के मुंह में चला गया और सांस रुकने की वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको अपने बचपन में कौन सा खिलौना सबसे ज्यादा खतरनाक लगता था, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।